जी आज फिर सिखां दे जख्मां उत्ते जो 1984 कतलेआम दे पीड़ित ने उन्हां लोकां दे जख्मां उत्ते लूण छिड़कण दा काम कांग्रेस पार्टी वालों कीता गया है। जिन्हां लोकां नूं अज सलाखां दे पिछे होना चाहिए सी कांग्रेस उन्हां नूं वड्डे वड्डे अहुदे दे कर दे के नवाज रही है, तो यह अपने आप च बहुत शर्म वाली गल है। इस चीज़ को लेकर असी रोष अपना जाहर किया, तो मैं मानता कि कल सिखा विच नहीं, हर एक इंसाफ पसंद आदमी अज इस चीज़ का रोष प्रकट कर रहे हैं। भावें राहुल गांधी जी कहते हैं जी नफरत की दुकान बंद करांगे, प्यार की मुहब्बत की दुकान खोलांगे, एवें मुहब्बत की दुकान खोलेगी। तुसी जो कातल ने उन्होंने वड्डे वड्डे अहुदे दे के नवाजोगे, तो कभी सिर्फ फर्जी गल्लां ने, सिर्फ ढकोसले ने। इन्होंने पहला भी एक कातल सी, एक कातलां दे नाल सी, ते हमेशा कांग्रेस पार्टी कातलां दे नाल खड़ी है। अज दी इस अपॉइंटमेंट तो यह स्पष्ट होंदा जी। अज फिर सिखां दे जख्मां उत्ते जो 1984 कतलेआम दे पीड़ित ने उन्हां लोकां दे जख्मां उत्ते लूण छिड़कण दा काम कांग्रेस पार्टी वालों कीता गया है। कांग्रेस का जो प्लैनरी सैशन हो रहा है उहदे विच जो लिस्ट है जिहदे विच पहले नंबर ते ना एक्स पी एम मनमोहन सिंह जी का हैगा, वड्डे वड्डे लीडर्स का हैगा, उस लिस्ट विच 13वें नंबर ते ना 1984 कतलेआम दे मेन जो कातल ने, जो साजिशकर्ता ने, जगदीश टाइटलर का भी है। जिन्हां लोकां नूं अज सलाखां दे पिछे होना चाहिए सी कांग्रेस उन्हां नूं वड्डे वड्डे अहुदे दे कर दे के नवाज रही है, तो यह अपने आप च बहुत शर्म वाली गल है। अज पूरे उह सारे पीड़ित परिवार बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर रोश विच ने, भाई जिन्हों अज फांसी के फंदे ते झुलना चाहिए सी कांग्रेस पार्टी नू अज वड्डे वड्डे अहुदे ते कुर्सियां दे के नवाज रही है। तो इस चीज़ को लेकर असी रोश अपना जाहर किया, तो मैं मानता कि कल सिखां विच नहीं, हर एक इंसाफ पसंद आदमी अज इस चीज़ का रोष प्रकट कर रहा है कि साड़ी न्याय प्रणाली लगभग असफल रही उन्हां कातलां नू उन्होंने अंजाम तक पहुँचाने ते, जबकि बेहिसाब सबूत ने। जब तक कांग्रेस की सरकार से समझ आता से भाई कांग्रेस के लीडर ने, कांग्रेस की सरकार हो सकता है इंसाफ ना मिले, तो नहीं मिले। पर बीजेपी की सरकार होने तो बाद एक उम्मीद की किरण जागी सी। मोदी साहब ने एक एस आई टी भी बनाई भी असी सिखां नूं न्याय दवावांगे, पर एस आई टी भी अज 8 साल 9 साल हो गए बने, अज फिर तो आस की जो किरण सी खत्म हो गई है, क्योंकि अज छोटे छोटे मसलों पर केंद्र सरकार कदे सी बी आई भेज दी, कदे ई डी भेज दी, बिना सबूतों तो ही बंदे चक लेंदे ने, पर इत्थे ते सबूतों की लैन लगी पई है। बेहिसाब एफीडेविट ने, बेहिसाब कमिश्नर की रिपोर्ट ने, पर जो एक काम कांग्रेस वालों किया गया है दिल्ली में, जो कतलेआम होया सी दिल्ली में, अज एक भी विधानसभा के अंदर इन्हों का मैंबर नहीं हैगा, इन्हों इस चीज़ तो भी सबक नहीं आया। लगता पूरे भारत च कांग्रेस जीरो हो जाएगी, तो देश के लोगों को समझना चाहिए कि नफरत फैला के जो लोग वड्डी वड्डी कुर्सियां ते बैंदे ने उन्हां तो अपना बचा करन, नहीं तो यही होएगा। इन्हों हजे भी सबक नहीं मिले, तो यह जस्टिफाई करना तद के प्रधानमंत्री ने शुरू करता सी। राजीव गांधी ने कहता सी भी जो कोई वड्डा दरखत डिगदा है तो धरती हिलदी है, तो अज तक उन्होंने जस्टिफाई किया जा रहा, भावें राहुल गांधी आ गया, भावें राहुल गांधी जी कहते हैं जी नफरत की दुकान बंद करांगे, प्यार की मुहब्बत की दुकान खोलांगे, एवें मुहब्बत की दुकान खोलेगी। तुसीं जो कातल ने उन्होंने वड्डे वड्डे अहुदे दे के नवाजोगे, तो कभी सिर्फ फर्जी गल्लां ने, सिर्फ ढकोसले ने। इन्होंने पहला भी एक कातल सी, एक कातलां दे नाल सी, ते हमेशा कांग्रेस पार्टी कातलां दे नाल खड़ी है। अज दी इस अपॉइंटमेंट तो यह स्पष्ट होंदा बई इन्हों बरखास्त करो, तो इन्हों इन्हों अंजाम से पहुँचाने के प्रबंध करो। तुम वे वे अहदे दे के नवाजोगे, पहला भी तुम एम पी कैबिनेट मिनिस्टर तक इदा के कातलों बनाया, तो हमेशा सिख समुदाय के जो सिख कम्यूनिटी वो दिल च रोष सी, तो अज उस रोष में उन्होंने जख्मों ताज़ा किया फिर तो टाइटलर वर्गे कातलों कुर्सी पर नवाज के।